Hello everyone, how are you all? Welcome back to another video from your book Grammar Glitter Odyssey by the Brain Root series. And today we are going to start with chapter 26, that is Transformation of Sentences. Chaliye, dekhenge hum pehle. Transformation of sentences means changing the type of sentence without changing its meaning. ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होता है कि आप एक सेंटेंस को चेंज कर दीजिए, यू नो, उसका ऑर्डर, उसका टाइप चेंज कर दीजिए, उसका काइंड चेंज कर दीजिए, पर आप उसका मीनिंग चेंज नहीं करेंगे. तो डैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. हम एक सेंटेंस को बहुत सारे वेज में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. सबसे पहला, एफर्मेटिव टू नेगेटिव. ठीक है, यू मस्ट रिमेंबर टू विजिट टुडे. ठीक है, तो ये यू मस्ट रिमेंबर टू विजिट हिम टुडे एक एफर्मेटिव सेंटेंस है. अगर मुझे इसे नेगेटिव में बदलना है तो मैं कैसे करूँगी, एक नॉट ऐड कर दूंगी. यू शुड नॉट फॉरगेट, और नॉट फॉरगेट बना दिया मैंने इसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए. यू शुड नॉट फॉरगेट टू विजिट हिम टुडे. समझ आया आपको? चलिए आगे बढ़ेंगे. अब हमें नेगेटिव फॉर्म में चेंज करना है. ही वॉन्ट्स टू कम विद अस, ही डजंट वॉन्ट टू कम विद अस. ठीक है, नेगेटिव में, आई हैव सीन हिम बिफोर, आई हैव नॉट सीन हिम बिफोर. आई विल राइट टू हिम, आई विल नॉट राइट टू हिम. शी हैड पेंटेड हर रूम रेड, शी हैड नॉट पेंटेड हर रूम रेड. यू मस्ट गो नाउ. ओके, सो फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड एट्थ, एज यूजुअल द लास्ट फोर, आई एम गोइंग टू गिव यू फॉर यू टू ट्राई. ओके, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप भी खुद अपने वर्ड्स सेंटेंसेस को ट्राई करिए, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी. तो फर्स्ट फोर वी हैव डन ऑलरेडी, द लास्ट फोर आई वॉन्ट यू टू ट्राई योर सेल्फ. चलिए आगे देखेंगे अब हम, और नेगेटिव सेंटेंसेस को एफर्मेटिव में हमें बदलना है. दिस स्ट्रेस इज नॉट न्यू, दिस स्ट्रेस इज न्यू. तो ये नेगेटिव में है, हमने इसे एफर्मेटिव में बदल दिया. नवीन एंड सुनील वर नॉट बेस्ट फ्रेंड्स. व्हाट्स द नेम, रिपीटिंग द सेकेंड आंसर. Naveen and Sunil were best friends. Second one is also done. Ricky does not love to have chocolate pastries after lunch. Ricky loves to have chocolate pastries after lunch. ठीक है, she will not have arrived by noon. She will have arrived by noon. Okay, fifth one, Mia does not teach honestly. Mia teaches honestly. ठीक है, and the last four, again your homework, please try them yourself. आपको इसी तरीके से करना है जैसे हमने first five करे हैं, जैसे मैंने आपको first five समझाए हैं. ठीक है, चलिए अब interrogative से अगर आपको assertive में जाना है, मतलब एक question वाले sentence में आपको इसे एक normal sentence बनाना है, तो अब आप क्या करेंगे, examples के through समझेंगे. Wasn't he very kind? ये एक interrogative sentence है, और इसका assertive क्या होगा, he was very kind. Is he a poor person? He is not a poor person. ठीक है, इस तरीके से इसका हमने assertive बना दिया. Ever in interrogative sentences is replaced by never. Ever किससे आप replace करेंगे, never से. ठीक है, shall I ever forget those memorable moments? I shall never forget. तो हमने ever को never में बदल दिया. ऐसे ही अगर आपके पास who plus don't, doesn't, didn't होगा interrogative. The second one, were they not impressed by her performance? सो इसका क्या होगा, आपको याद होगा हमने यहाँ पे भी ऐसा कुछ पढ़ा था. यस, सो दे वर नॉट इम्प्रेस्ड बाय हर परफॉर्मेंस. ठीक है, नेक्स्ट, विल दे नॉट अटेंड द पार्टी? दे विल नॉट अटेंड द पार्टी. हैश ही फिनिश्ड हिज वर्क? इसका क्या होगा, आपको नॉर्मल में बदलना है एसर्टिव में, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क. एंड द लास्ट थ्री, एक्चुअली द लास्ट फोर, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड एट्थ, अगेन please try yourself in your homework. Okay, so I hope you can do it. We will move on further and see what we have next. Change the assertive into interrogative. Ab hume assertive ko interrogative mein karna hai. Everybody likes to have a summer vacations. Okay, to aapko yaad hoga humne ye rule padha tha, ye raha. To ye kya hoga iska interrogative us sentence ka, does everybody like to have summer vacation? Do I have anything to add here and there? ठीक है, तो nothing को हमने anything में बदल दिया. Last three, please try yourself in your homework. Okay, now we have another transformation, which is assertive to exclamatory.
To change exclamatory sentence from assertive, bring the subject at the end. Subject ko end pe leke aa jaiye. Replace the linking word with how or what. ठीक है. और थर्ड, replace the full stop with exclamation mark. ठीक है. जैसे it was a very exciting match. What an exciting match it was. तो जो आपका subject है उसे आपको end position पे लाने की कोशिश करनी है. ठीक है. आगे देखेंगे. Change the assertive into exclamatory. जैसे it was a very hot day. Oh, what a hot day it was. She dances very well. Wow, she dances very well. या फिर better कैसे क्या लगेगा? Wow, how well she dances. और exclamation mark. There is a very marvelous sight. What a marvelous sight. और exclamation mark. Fourth, fifth and sixth, as usual, please try yourself because I want कि आप खुद से भी try करिए और आपको खुद भी पता चले अपनी mistakes और अपनी improvement की जगहें, right? But I am sure अब आप अच्छे से कर पा रहे होंगे. चलिए next है, change the exclamatory into assertive. अब हमें exclamatory को assertive में करना है. Three हम करेंगे साथ में और less next three आप करेंगे. What a pity did you not come? What a pity did you not come? इसको आपको किस में बदलना है? Assertive में. Okay, so it's a pity you did not come. What a fine kick it was indeed. It was a fine kick. How beautiful is the this piece of jewelry is very beautiful. ठीक है, second भी हमारा हो गया और assertive के साथ हमेशा full stop लगता है, याद रखिएगा. The teacher congratulates the winners. Did the teacher congratulate the winners? Okay. And question mark. This vase is so expensive. What an expensive vase. Okay? Exclamation mark. Next, how precious the doll is. Okay. So the sixth one, this shop sells sweets. Does this shop sell sweets? So, ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा और हमें लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क लगाना है. आई होप इतना आपको अब तक श्योरली समझ आ गया होगा. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेल. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट नाउ. टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर.